हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम बताए थे कि जियो पॉस लाइट से पस प्लस का आईडी कैसे लेंगे, तो उसके बाद से हमें नीचे कमेंट काफ़ी सारे आने लगे कि हम जियो पॉस लाइट से पस प्लस का आईडी के लिए अप्लाई किए थे, मेरा 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया है मोबाइल पर। और किसी किसी का कमेंट ऐसा है कि मतलब यूजर आईडी आ गया है लेकिन पासवर्ड नहीं आया, तो इसकी पूरी जानकारी हम डिटेल में देंगे कि यूजर आईडी और पासवर्ड अगर अप्लाई किए हैं जियो पॉस लाइट से पस प्लस के लिए और यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है आईडी। क्योंकि मतलब थोड़ा दिन पहले जो हाल ही फिलहाल लॉन्च हुआ था जियो पॉस प्लस, जियो पॉस लाइट से पस प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें काफ़ी ट्रैफिक आने के कारण बहुत सारे बंदों के साथ इस तरह का मतलब हुआ है। उसका आईडी और पासवर्ड एक्टिवेट हो गया लेकिन उसका मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आईडी और पासवर्ड को कैसे प्राप्त करेंगे, अगर नहीं आया तो फिर क्या करना होगा, तो इसकी पूरी जानकारी हम डिटेल में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईडी लेने के टाइम जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाले थे और मोबाइल नंबर जो डाले थे, मोबाइल नंबर उसी का होना चाहिए जिसका पैन कार्ड और आधार कार्ड है, उसी का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, मतलब उसी के नाम से सिम टू एक्टिवेट होना चाहिए। और यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी को भी एक बार चेक करना होगा, क्योंकि ईमेल आईडी में भी आता है, उस टाइम बहुत ट्रैफिक था इसीलिए आपके मोबाइल पर हो सके नहीं आया था मोबाइल पर, तो आपका ईमेल पर गारंटी आ जाएगा अगर आईडी आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको ईमेल पर कैसे चेक करना है, आपको याद रखना है ईमेल को कि यहाँ पर जो ईमेल डाले थे उस ईमेल को याद रखना है। उसके बाद ईमेल में जाना है, उसके बाद यहाँ से जीमेल को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ सर्च बार में सर्च करना है, आपको जियो लिख के इस तरह से सर्च करना है। अगर इसी ईमेल को डाले थे तो यहाँ से आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, जो ईमेल डाले हैं उस ईमेल को आपको ओपन करना है। तो आपको देखिए बहुत सारा यहाँ पर जियो का जो भी है सब यहाँ पर आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे मेरा आया हुआ है यूजर आईडी और पासवर्ड कहाँ है, चलिए हम दिखा देते हैं। इस तरह से सभी को आपको एक एक करके चेक कर लेना है कि कौन सा वाला है। तो यहाँ पर देखिए मेरा 2-3 मैसेज आया है जीमेल में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यू जियो अकाउंट इन्फॉर्मेशन लॉगिन, इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सब कुछ यहाँ डिटेल्स आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका आईडी और यहाँ पासवर्ड भी आपका शो होने लगेगा। तो आपको मतलब अपना ईमेल को अवश्य चेक करना है, क्योंकि आपके मोबाइल पर अगर नहीं आया तो आपके ईमेल पर गारंटी आएगा अगर आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप ईमेल को चेक कर सकते हैं एक एक करके, आपको देखना है कि कौन सा वाला है कौन सा वाला नहीं है वहाँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनबोर्डिंग कम्प्लीटेड वेलकम टू जियो, तो इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपका आईडी आ चुका है। इस तरह से अपना आईडी को निकाल सकते हैं आराम से अपना ईमेल में, लेकिन आपको ईमेल गारंटी चेक करना है क्योंकि आपका ईमेल में ही आएगा, अगर बाय चांस आपके मोबाइल पर नहीं आता है तो आपके ईमेल पर आएगा। और बहुत सारे बंदे का कमेंट था कि मेरा आईडी आ चुका है लेकिन पासवर्ड नहीं आया, तो इसकी पूरी जानकारी एक वीडियो में बताए हैं, तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के पता कर सकते हैं कि आपको अपना पासवर्ड कैसे बनाना है। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।